फूडीज असल एज स्जूल्ड अदनान फारूक एट योर सर्विस और आज मैं जो टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले कुछ आपसे हार्ड टू हार्ड डिस्कशन करूँगा आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं उतना चर्प या उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ और जस्ट वॉन टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग एक ऑडियंस देख रही है वो जज करेगी या उसका अपना ओपिनियन होएगा Uh, और वो बात टॉपिक से पहले ये है कि uh, पिछले कुछ दिनों से मुझे uh, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और और uh, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम uh, uh, सुनने को मिल रही हैं जो बज़ाहिर तो लगता है कि वेट के मामल हैं और फिटनेस uh, के मामल हैं लेकिन जब इन्वेस्टिगेट uh, किया जाता है उन मामलों को तो देखा जाता है कि बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं हार्मोनल इश्यूज हैं वो चीज़ें जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिनकी सपोर्ट और एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है एंड इट जस्ट गोज़ टू ब्रेक माई हार्ट टू 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 दैट आई विश के uh, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और uh, जो हेल्थ uh, और फिटनेस के सर्कल्स में काम कर रहे हैं आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश के वी can somehow join our forces and reach out to people as much as possible because uh, uh, our nation really needs us I main apne aap that a hu ke ek professional ka sabse responsibility hoti hai empathize kar sake wo dil se kisi ki takleef agar feel kar sakta hai to wo service ke andar reflect karwata hai and that's what i actually kind of feel uh, it kind of breaks my heart to see the kind of trouble there is and uh, सो जस्ट जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू के uh, हर चीज़ का हल हर चीज़ का हल एक्सरसाइज के अंदर नहीं पड़ा हुआ ऑल दो एक्सरसाइज डज हेल्प आई एम आई एम जिम ऑनर माई सेल्फ आई एम एसोसिएट विद द लार्जेस्ट हेल्थ क्लब चेन इन पाकिस्तान कहने का मकसद यह है कि मैं किसी को पुट डाउन करके नहीं बात कर रहा लेकिन हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी हर चीज़ की एक्सरसाइज का हल बता दें

पिछले पिछले जितने टॉपिक्स भी कवर किए उसके अंदर हमने आ, बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत सारी बातें की और कुछ बातें आपको टेक्निकल भी लगी होंगी और शायद आपको ये भी लगा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या आपको शायद ये फील हो रहा हो कि आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग एक सेंस ऑफ होपलेसनेस या डायरेक्शनलेस या आपको फीलिंग हो रही हो तो आई एम हेव टू टेल यू हमारी बात हो या ना हो हमारा मेरा इस सेशन के ऊपर अवेलेबल होना हो या ना हो लेकिन मैं आपको एक बात आ, आ, असूलन बताना चाह रहा हूँ और फैक्चुअल बताना चाह रहा हूँ और एक्सपीरियंस की बेस पर बताना चाह रहा हूँ कि जो एफर्ट आप कर रहे हो यू नीड टू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक एंड यू नीड टू अप्रीशियट योर सेल्फ जैसे हम लोगों को अप्रीशियेट करते हैं लेकिन हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हम लोगों को रिकगनाइज करते हैं हम अपने आप को रिकोगनाइज नहीं करते तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वी आर ऑल स्ट्रगलिंग इन आर ओन कैपेसिटीज एंड वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन विद द नॉलेज दैट वी हैव तो गिवन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू लिटरली स्टैंड अप एंड गिव योर सेल्फ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर कमिंग एज फार एज यू हैव इट इज रियली रियली कमेंडेबल इट इज़ हार्टनिंग, इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग के अमिड्स ऑल द ट्रबल्स दैट वी हैव ज़िंदगी आसान नहीं है जिंदगी बहुत मुश्किल है और आजकल के हालात में तो और भी प्रॉब्लम है तो इन मामला में इफ़ यू ट्राइंग टू कीप इट टुगेदर और इन अपने पर्सनल मामला को अपने इकोनॉमिकल uh, चैलेंजेस को और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपनी फिटनेस और हेल्थ के ऊपर और अपनी फैमिली की फ़िटनेस और हेल्थ के ऊपर अगर सोच विचार कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी यू आर बेटर देन 90 परसेंट ऑफ द पीपल आउट देयर एंड दैट कॉल्स फॉर अप्रिसिएशन

आपको याद होगा मैंने एक डी की बात की एंड दैट डी ड्रिंक इज़ समथिंग दैट वी कैन डू ऑन अ डेली बेसिस मैंने इस ब्रॉडकास्ट uh, uh, की डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है और उसके अंदर वो वीडियो सबसे पहले आ रही होगी तो उस वीडियो को आप देखें उसके अंदर वो पाँच मिनट का एक मेरा सिंपल सा डिटॉक्स ड्रिंक है नथिंग फैंसी बट यू यू विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू पुट इट टुगेदर एंड यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस एंड बेनिफिट फ्रॉम इट तो नाजरीन हार्मोन uh, इंबैलेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं और uh, पिछली जो डिस्कशन थी उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा क्विकली कि हार्मोन इम्बेलेंस इज द रूट कॉज फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इंक्लूडिंग वेट गेन तो हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हम ये जो सोच रहे हैं कि जी कैलरीज का इशू है और और कोई इशू नहीं है सिर्फ एक्सरसाइज कर लो ये कर लो वो कर लो हार्मोन इम्बेलेंस के मामला को डील करना ज़रूरी है हार्मोनस क्या हैं दे आर सिंपल मैसेंजर्स दैट आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बॉडी टेलिंग द बॉडी टू डू दिस और दैट टेलिंग द बॉडी आइदर टू स्पीड अप मोटेबलिज्म और टू स्लो डाउन मोटाबलिज्म टेलिंग द बॉडी टू मैन्युफैक्चर मोर एस्ट्रोजन और लेस एस्ट्रोजन टेलिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन और लेस इंसुलिन एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन तो हॉमोन्स आर एट द रूट कॉज और ऑफ थिंग्स और अगर आपको पिछली मेरी डिस्कशन याद हो तो हमने बात की कि टेस्टिंग इज अ डिफिनेटिव अप्रोच के टेस्ट करें और आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ तो करता ही हूँ कि मैं सबसे पहले देखता हूं कि ब्लड शुगर कि जा रहा है और बाकी जो बायोमार्कर्स हैं ब्लड के वो क्या क्या बता रहे हैं बट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिम्टम्स सिम्टम्स टेल यू अ लॉट तो इस जिस तरह हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं इसके भी सिम्टम्स आपको नोट करने की ज़रूरत है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो आ, और ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हुई है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की तो पहले तो ये डिटर्मन करें कि इंसुलिन है क्या इंसुलिन एक ऐसा हॉमोन है कि जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको ब्लड शुगर को बॉडी में से ब्लड में से कम करके शंट करता है मसल के अंदर ट्रांसफर uh, करता है ताकि ब्लड के अंदर से शुगर की जो अमाउंट uh, है वो कम की जाए बिकॉज क्रॉनिक एलिवेटेड ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर कैन बी डेंजरस एंड इफ इट इज स्टेइंग हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग तो ये बॉडी को एक नेचुरल बैलेंस का रिस्पॉन्स है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कि ब्लड शुगर बड़ी है इंसुलिन सिक्रीट होएगी वो ब्लड में से निकाल के शुगर को वो सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी यूजेज के लिए तो ये एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी के अंदर होता है लेकिन जब लाइफस्टाइल ख़राब हो जिस तरह के हमारे लाइफस्टाइल्स हैं जब हमारी डाइट ऐसी कि जिसके अंदर हर वक्त कार्बोहाइड्रेट्स ही कार्बोहाइड्रेट्स हों जब हमारी डाइट जब हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो कि उसके अंदर स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो तो ओवर टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है विच मीन्स के बॉडी जो है वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन जो सेल है वो इंसुलिन को रिकगनाइज़ नहीं कर रहा वो वो काम कर ही नहीं रहा जो उसको करना चाहिए तो होता क्या है कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ती जाती है और इंसुलिन भी बढ़ती जाती है अब इंसुलिन वो काम कर ही नहीं रही तो इंसुलिन भी एलिवेटेड है और ब्लड शुगर भी एलिवेटेड है तो दिस इज द रूट कॉज फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था कि अमेरिका इज थॉट टू बी इसमें कोई नई बात नहीं है कि इट इज थॉट टू बी वन ऑफ द फैटेस्ट नेशन ऑन अर्थ राइट और स्टैट uh, से बता रहे हैं कि वन इन थ्री अमेरिकन यानी कि थर्टी थ्री परसेंट अमेरिकन आर इंसुलिन रिजिस्टेंस ये वेब एम डी की स्टैट है आप जाके चेक कर सकते हैं इट इज टैगरिंग इट रिली इज के 33% Americans are insulin resistant और ये ये के साथ link करता है तो 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 मेरे मेरे लिए एक, एक मैंने अभी भी इस चीज को थोड़ा सा जब ब्रश अप करा था ना तो information मेरे सामने इंसुलिन रेजिस्टेंस तो, से क्या क्या मामला होते हैं खराब उसको भी नोट करने की जरूरत है कि इट कैन बी इवन ए कॉज फॉर ब्लड प्रेशर आप समझ रहे थे कि मैं अंडे की जर्दी खा लूंगा तो उससे मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा आप कह रहे थे मेरी नमक की इंटेक ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्लड प्रेशर हो जाएगा शायद उनकी जगह होएगी लेकिन इतनी प्रोफाउंड नहीं है जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजिज़ ब्लड प्रेशर इट कॉसिज ओबिसिटी इट इवन काजेज हाई कोलेस्ट्रॉल तो इट इज़ एट द ग्रास रूट लेवल फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट स्टेप है डायबिटीज़ का तो इसको हम प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं कि अगर ये अनडिटेक्टेड चले तो इट कैन टर्न इन टू ए परमेंट स्टेट विच इज़ कॉल्ड टाइप टू डायबिटीज विच आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट तो अब सवाल ये बनता है कि हाउ डू वी डिटर्मिन वेदर वी आर ए कैंडिडेट और वी आर एट अ रिस्क फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस ये अब आपने नोट कर लेना है और उसके अंदर पहली चीज़ ये आती है कि जो पेट की मेजरमेंट है जो हम बेली की मेजरमेंट देते हैं कि इसके अंदर अगर इफ यूर अ मेल एंड इफ यूर वेस्ट लाइन इज अबव फोर्टी और इफ यूर अ फीमेल एंड इफ यूर वेस्ट लाइन इज अब थर्टी फाइव ये पहला रिस्क फैक्टर आता है ठीक है और वेस्ट लाइन नोट कर लें ये जो स्टर्नम का एरिया होता है इससे नीचे आप मेजर करेंगे वेस्ट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एबडोम जो आप बेली बटन के बेली बटन के ऊपर जो आप चेक करते हैं वो बेली की मेजरमेंट होती है वेस्ट की नहीं होती सो मेक श्योर यू डू दिस करेक्टली कि वेस्ट को जब आप चेक करें फोर्टी इंचज अबव फॉर मैन थर्टी फाइव इंचज अबव फॉर फीमेल दैट्स द फर्स्ट रिस्क फैक्टर दूसरी चीज आपका ब्लड प्रेशर इफ योर ब्लड प्रेशर रीडिंग इज 130 थर्टी बाई एटी और हायर दैट मीन्स के यू आर एक्सक्यूज मी यू आर अ कैंडिडेट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस तीसरी चीज अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ये 100 से ऊपर जा रही है तो अगेन इट इज द थर्ड रिस्क फैक्टर थर्ड इंडिकेटर कि ये मामला खराब है और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल जो हम ब्लड टेस्ट के अंदर अपना लिपिड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं तो अगर ये ट्राइग्लिसराइड्स 150 या इससे ऊपर हैं तो अगेन दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू आर एट यू आर एट अ कैंडिडेट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके बाद एच द गुड कोलेस्ट्रॉल आप में से जिन्होंने अपना लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी ट्राइग्लिसराइड्स एल डी एल एच डी एल वी एल डी एल तो ये सारे आपके ब्लड टेस्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं तो अगेन दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर और ये आपने नोट कर लेने हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये चेक करें इसमें कि आपके आपकी सूरत्याल कहाँ पर खड़ी हुई है बिकॉज दीज आर रेड फ्लैग्स आई डू आई वुड वॉन्ट टू दैट यू शुड गेट पैनिक ही देज नो नीड टू पैनिक बट इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट शुड टेल यू वे यू स्टैंडिंग राइट नाउ तो uh, वो कहते हैं कि नॉलेज नॉलेज गिव्स यू इन्फॉर्म्ड एक्शन तो जहां पे आप अपनी वेस्ट लाइन को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लॉट ऑफ पीपल डू कंप्लेन अबाउट बेली फैट तो जो बेली फैट के मामला हैं नाजरीन उसका भी इंसुलिन से लिंक है क्योंकि इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन आपने ये बात नोट कर लेनी है इट इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन और प्रडोमिनेंटली बेली के ऊपर जो फैट आती है इसका मतलब है कि इंसुलिन एलिवेटेड है दिस इज दिस दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आपको मैंने रिस्क फैक्टर में भी बताया कि ये बेली की जो मेजरमेंट है वो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाती है तो इफ़ देर इज़ बेली फैट देर आर चांसेस दैट देर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस और हमारा तरीक़ेकार क्या होएगा कि आप जो क्रंचज कर कर करके पागल होए हुए हैं और आप जो डाइटिंग कर करके पागल होए हुए हैं और आप जो कार्डियो दौड़े लगा लगा के पागल होए हुए हैं और आपकी बेली फैट नहीं जाती दिस शुड टेल यू कि अब आपने अप्रोच अपनी चेंज करनी है और वो मैं अप्रोच अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सो so, नाजरीन इंसुलिन रेजिस्टेंस के मैं आपके साथ सेवन सोलूशन शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट इफ़ यू राइट दीज थिंग्स डाउन देन यू कैन रियली थिंक अबाउट दैम बिकॉज इंसान भूल जाता है आज आप सुनेंगे कल भूल जाएंगे तो सोल्यूशन नंबर वन इज़ क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो गया है मैं थोड़ा सा रमज़ान के कॉन्टेक्ट से बाहर निकल के बात करूँगा कि पहली चीज़ हमारी जो ग्यारह महीने की जिंदगी है उसके अंदर द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट थिंग इज स्टॉप स्नैकिंग ये जो स्नैकिंग की आदत है ना ये जो ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ठूंगा मारने की आदत है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है बॉडी के अंदर जितनी दफ़ा आप खाना चाहे वो आ, कुछ भी हो जितनी दफ़ा आप ईटिंग या कोई भी खाना खाएंगे तो उससे आपकी इंसुलिन बढ़ेगी तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्राम सुलन स्पाइक एज मच एज पॉसिबल एंड स्नैकिंग हैपन्स टू बी वन ऑफ दैट लेस्ट एक तो ये कि स्नैकिंग हर दो घंटे के बाद इंसान खाना खा रहा है या स्नैक कर रहा है वो जितनी दफ़ा कुछ इनटेक करेगा इंसुलिन स्पाइक करेगी वी डोंट वॉन्ट दैट सो स्नैकिंग की पहली वजह यह है कि वी नीड टू इंक्रीज द टाइम बिटवीन मील्स और स्नैक्स ताकि इंसुलिन स्टेबल रहे दूसरी ये कि आप मुझे ये बताएं कि जो स्नैकिंग करते हैं कितने लोगों के लिए स्नैकिंग प्रैक्टिकल होती है या हेल्थी होती है यूजली स्नैक्स uh, मैं सॉरी टू यूज़ द वर्ड कचरा ही खा रहे होते हैं हम कि इधर उधर ठूंगा मार लिया इधर उधर दैट्स नॉट वॉट वी वॉन्ट अगर हमने हेल्थी लाइफ स्टाइल मेनटेन करना है और प्रैक्टिकल भी होना है तो हमें uh, स्नैकिंग खत्म करनी पड़ेगी और ये जो बात कि जी थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर खाएं तो उससे मेटेबलिज्म बढ़ता है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लें कि मेटैबलिज़म का आपकी हर वक्त चरने से उसका ताल्लुक नहीं है मैं अमूमन अपने मजाक करता होता हूँ कि अगर चरने से वेट लॉस होता ना तो भैंसें पतली होती ठीक है।, है वो सारा दिन चरती रहती लेकिन उनका क्या हाल है वो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे ठीक है सो पॉइंट नंबर वन नंबर टू वर्क टू वर्ड्स थ्री मील्स अ दैट्स इट एज सिंपल एज इट मे सीम थ्री मील्स अ डे पुराने ज़माने में क्या होता था सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना कहानी ख़त्म इस वक्त हम ना तो हमारा नाश्ता ठीक है हम भाग दौड़ में कर रहे हैं दिमाग हमारा कहीं और है ठीक है पेट भर के और तरीके से वो खाया ही नहीं उसके हर दो घंटे के बाद कुछ भूख लग रही है तो इधर ठूँगा मार रहे हैं उधर ठूँगा मार रहे हैं फिर जब लंच आता है वो भी भाग दौड़ करके कर, कर रहा है तो मील्स के अंदर वो न्यूट्रिशन है ही नहीं मील्स के अंदर वो गसाइयत है ही नहीं मील्स जो हम खा रहे हैं उसके अंदर वो शुगर की स्टेबिलिटी वो इंसुलिन की स्टेबिलिटी हमें मिल ही नहीं रही कि वो हमें तीन से चार घंटे चला ले मैं एक सिंपल रूल अपने क्लाइंट्स को देता होता हूँ कि आपका मील ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कम से कम चार घंटे भूख से बचा के रखे कम से कम चार घंटे आपको क्रेविंग ना हो कम से कम चार घंटे आपकी एनर्जी एलिवेटेड रहे ये रूल अगर आपका मील प्रोवाइड कर रहा है आपको ये सपोर्ट दे रहा है तो वेल एंड गुड और अगर ये नहीं दे रहा तो देन देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद डैट मील और वो यही मेरा पॉइंट नंबर थ्री आ जाता है कि जब हमने इंसुलिन को कम रखना है तो उस मील के अंदर क्या होना चाहिए वेरी सिंपल मैं आपको बेसिक गाइडलाइंस बताऊंगा। उस मील के अंदर आपकी थोड़ी सी प्रोटीन आ जाएगी इतनी अगर आपको याद हो और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमने हेल्दी वेट लॉस के ऊपर कुछ गाइडलाइंस की बात की थी वो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसी प्लेटफॉर्म पे फूडीज आरस पे हमने वो वीडियो की थी स्क्रॉल अप करके देखें आपको वीडियो मिल जाएगी उसके अंदर एग्जैक्ट हमने तरीका का डिस्कस किया था कि व्हाट शुड अ टिपिकल मील लुक लाइक तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन थी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स थे स्टार्चेस थे और थोड़ी सी फैट्स थी और उसके साथ साथ फाइबर वेजिटेबल से आ रहा था यानी कि एक फुल स्पेक्ट्रम मील था और वो Uh, दोपहर के और रात के खाने के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद थी ब्रेकफास्ट के अंदर फाइबर नहीं था बाकी तीनों चीज़ें थी तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो uh, एक टिपिकल मील हो उसके अंदर डायट्री फैट्स भी हो थोड़े से उसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन हो ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है और हल्की फुल्की सी कार्बोहाइड्रेट्स हों काम आपका बन जाएगा यू डोंट नीड टू गेट टू टेक्निकल और और परफेक्शनिस्ट टू अचीव द बेनिफिट्स इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ के हम पाकिस्तानी हैं ठीक है थेके? और हमारा ये सिलसिला है कि जिस खाने के अंदर रोटी या चावल ना हो वो मील नहीं है वो जितना मर्जी उसके अंदर कैलोरीज़ हो जो मर्ज़ी हो जाए या तो रोटी हो या चावल हो तो फिर वो खाना बनता है अदरवाइज वो खाना नहीं बनता इस नज़रिए को हमने थोड़ा सा चेंज करना है माइंड यू आई एम नॉट अगेंस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आई एम नॉट अगेंस्ट राइस आई मे हैव समथिंग अगेंस्ट ग्लूटन बिकॉज वीट के अंदर बहुत से लोगों को उसकी एलर्जी होती है बट आई एम नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स अक्रॉस द बोर्ड ऑल ऐसे है कि ये दोनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रूप से बिलोंग करती हैं ठीक है सिंपल न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो बाबा कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और हजारों चीजें आती हैं सैकड़ों चीजें आती हैं जो उसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करती हैं फॉर एग्जाम्पल शकरकंदी फॉर एग्जाम्पल आलू फॉर एग्जाम्पल चने फॉर एग्जाम्पल लोबिया ये क्या चीजें हैं दालें दे ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं तो बॉडी को काव्स चाहिए थे तो हमने जो अपने आप को कन्फाइन कर लिया कि जी रोटी चावल होएगा तो कम चलेगा ये जरा थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की जरूरत है बट इट टेक्स टाइम यू नो व्हेन आई टेक माय क्लाइंट्स ऑन अ व्हेन आई टीच माय क्लाइंट्स दिस आई ट्राई टू टेक देम ऑन अ जर्नी बिकॉज जब आप रातों रात कोई चीज चेंज करते हो वो काम नहीं करती अच्छा जी आगे चलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए और क्या हमारे पास आएगा रिड्यूस काब्स ग्रेजुअली मैंने एक मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपनी एक, 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 एक सेशन में यह मैंशन किया कि हम पाकिस्तानी ऑन एवरेज तकरीबन 250 से साढ़े तीन ग्राम काब्स खाते हैं 250 टू 350 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे अब आप इस क्वांटिटी से एकदम किसी डाइट प्लान के तहत 50 ग्राम्स पे आओगे 80 ग्राम्स पे आओगे आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी क्योंकि आपने रातों रात चेंज करने की कोशिश की है सो आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस पॉइंट इनफ दैट वट यू डू मेक इट प्रोग्रेसिव मेक इट ग्रेजुअल गेव योर बॉडी गेव योर साइकोलॉजी अट ऑफ टाइम टू अडेप्टू दीज चेंज मेरी बात समझ रहे हैं तो हमने आना तो सौ डेढ़ सौ ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर है और मैंने इसकी कैलकुलेशन भी बताई थी कि यह तकरीबन डेढ़ सौ ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली टेन टू ट्वेल्व टेबल स्पून ऑफ कुकड राइस तो अ डे ये इतनी क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है बट जो लोग डाइटिंग करते हैं वो कहेंगे कि जी ये तो काब्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो मिडिल ग्राउंड लेना है और इसको ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव करना है अच्छा जी उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव वो ये कि एक्सरसाइज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन एक्सरसाइज किस तरह की एक क्वेश्चन मार्क है नॉट ऑल एक्सरसाइज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट आपने जो एक्सरसाइज ऐसी की और एक्सेसिव एक्सरसाइज की तो उससे आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होएगी वो आपको भूख लगेगी और उस भूख लगने के तहत आप ज़्यादा इंटेक लगे लेंगे खाने की और आप अपने मोस्ट के मोस्ट केसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाने की कोशिश करेंगे तो जहाँ पे हम काब्स को ग्रेजुअली कम करने की जरूरत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर हमने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमारी बॉडी के अंदर ये जो Uh, एक बैलेंस हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो इन सिंपल वर्ड्स यू वी आर ट्राइंग टू गेट द बॉडी वी आर ट्राइंग टू वीन ऑफ द बॉडी फ्रॉम कंज्यूमिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिस तरह बच्चे को दूध छुड़वाते हैं ना फीडर छुड़वाते हैं उसको क्या कहते हैं वीन ऑफ इसी तरह ही आपने भी वीन ऑफ करना है तो जब आप वीन ऑफ कर रहे होंगे तो आप ग्रेजुअली कर रहे होंगे तो इसके अंदर जो बाकी फैक्टर्स है ना उन बा बाकी फैक्टर्स को इस प्रोसेस को सपोर्ट करना है मुश्किल नहीं बनाना तो एक्सरसाइज ज्यादा करोगे कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा तलब होएगी जो प्रोसेस और जो स्टेट अचीव करना चाह रहे हो मेंटली और फिजिकली वो अचीव नहीं होएगी सो कीप योर एक्सरसाइज एट द लोस्ट एट दिस पॉइंट वॉक से शुरू करो उसके बाद हल्की पुल्की हफ्ते में तीन से चार दिन तीस से चालीस मिनट्स का टोटल बॉडी वर्कआउट करो और ट्राई टू अवॉइड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स इन द बिगेनिंग ठीक है जी ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है और जो मेरा फाइनल पॉइंट है कि अपनी ब्लड शुगर आपने चेक करनी है फ्रीक्वेंटली कि आपको ये पता लगे कि इफ़ यू रेट द बॉर्डर लाइन देन दैट देट इन्फॉर्मेशन शुड टेल यू कि जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो उससे आपकी शुगर फास्टिंग शुगर कम हो रही है आपने नोट किया होगा मैंने बात शुरू करते हुए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन की बात की काफ़ी का हमने एलडीएल की बात की एचडीएल की बात की ट्राइग्लिसराइड्स की बात की ब्लड प्रेशर की तो अगर आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साइड पर रख दो ना आइडियली तो सबको देखना चाहिए लेकिन अगर आप इसको ही सिर्फ पकड़ लो ना और ये बड़ा सिंपल है तो इससे ही आपको गाइडेंस मिल जाएगी ठीक है तो ये आपने करना है और माई लास्ट सोलूशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब स्ट्रेस होता है तो कार्टेसॉल प्रोड्यूस होता है कार्टेसोल स्ट्रेस हार्मोन है कॉटेसोल बॉडी के अंदर क्या करता है लीन मसल को लेता है उसको मेटेबलाइज करता है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस तो आप हो सकता है कि आप अपनी बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी बड़ी एक तरीका एक सिलसिला चल रहा हो आप उसको टेपर ऑफ़ कर रहे हैं वीन ऑफ कर रहे हैं बड़े स्ट्रेटिजिकली चल रहे हैं लेकिन अगर आपका स्ट्रेस और आपकी रिकवरी और आपकी स्लीप मैनेज नहीं है तो आपकी बॉडी इंसुलिन आ, 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 आपकी बॉडी कोर्टिसोल के थ्रू ब्लड शुगर प्रोड्यूस करती रहेगी और जब जब ब्लड शुगर प्रोड्यूस होएगा तब तब इंसुलिन प्रोड्यूस होएगी तो स्ट्रेस को और आ, रिकवरी को और स्लीप को भी मैनेज करना दिस इज़ आल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट तो नाजरीन ये मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं और बात ख़त्म करते हुए मैं एक आई डोंट नो कि आपने बात मेरी किस हद तक उसको प्रोसेस किया है लेकिन द आई वॉन्ट गिव यू परस्पेक्टिव है एंड देट परस्पेक्टिव इज क्या आप नोट कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें फ्रॉम डे वन के जो हम एक्वाफीना के जो सेशंस कर रहे हैं डे वन से लेके अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं इसके अंदर सिमिलैरिटीज कितनी हैं हेल्थ की सिमिलैरिटी है स्ट्रेस मैनेजमेंट की सिमिलैरिटी है स्लीप की सिमिलैरिटी है रिकवरी की सिमिलैरिटी है ग्रेटिट्यूड की सिमिलैरिटीज़ हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस की सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ के खुदा के वास्ते इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना इसको यहाँ से सुन के इधर निकालना देना क्योंकि वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट ठीक है मैं साइकोलॉजी के अंदर भी मेरी एक्सपर्टीज़ है और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हम एंड ऑफ द डे अगर हमें गाइडेंस ना मिल रही हो ना तो हम पैनिक मोड में आके फ्रस्ट्रेशन के मोड में आके करते वही हैं जो हमारे हमें जिसकी आदत होती है और हमें यह पता ही नहीं होता हाँ ये सब कॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है तो नाजरीन ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर सेशन था उम्मीद है कि आपको इससे इंफॉर्मेशन आई होगी नाउ आई वांट टू जस्ट क्विकली गो ओवर एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इट सीम्स दैट देर इज अपेरेंटली इट सीम्स दैट यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन ओके सो गाइस मेक श्योर के आप इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें मैं हमेशा यह बात करता हूं कि सेवेंटी परसेंट ऑफ द बॉडी इज वाटर ठीक है तो जब आप अपना पानी का सिलसिला ठीक रखते हैं यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एक तो साइंस ही बताती है कि उससे आपको भूख कम लगती है कि समटाइम्स वे नॉट इवन हंग्री बट जस्ट बिकॉज एक आदत पड़ी हुई है तो वहां पे वी नीड टू ड्रिंक वाटर पानी पी लोगे और बेहतर है कि वो जो मैं हमेशा कहता तो खासतौर तो पर आज के इस सिलसिले में नींबू पानी पियो एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा थोड़ा डाल के पियो पानी को थोड़ा सा टेस्टफुल बना लो उसके अंदर हल्का फुल्का शायद भी डाल लो तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड उससे आपकी भूख भी कम होएगी एंड बिकॉज द बॉडी इज जस्ट रनिंग ऑन 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 लॉट ऑफ थिंग्स फेसिलिटेटेड बाई वाटर उससे मैटेबलिज्म और हेल्थ के बेनिफिट्स भी आते हैं सो गाइज थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड आई होप के इस सेशन ने आपको बेनिफिट दिया होएगा I am going to try and stay connected with you uh, with reference to your questions. Till then, thank you very much for your time, guys. Ciao. Allah Hafiz.